नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट में गुरुदेव जब वक्री होंगे तो उनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है और गुरुदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान है और गुरुदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी है और आपके पांचवें भाव के स्वामी है जो कि आपके सातवें भाव में विराजमान है। 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे और गुरुदेव वक्री 9 अक्टूबर के दोपहर 12:33 से 4 फरवरी 2025 के दोपहर 3:09 तक रहेंगे, यानी कि 118 दिन के लिए गुरुदेव आपके सातवें भाव में ही वक्री रहेंगे। और यहाँ पे गुरुदेव आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राज्यों का भी निर्माण कर रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। आइए दोस्तों, हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी ग्रह वक्री कब और क्यों होता है। तो जब कोई भी ग्रह सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गी कहते हैं और वही ग्रह जब तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी कहते हैं और इसी तीव्रता से अगर वही ग्रह पीछे जाता हुआ दिखाई दे तो उसे मार्गी ग्रह कहते हैं। देखिए दोस्तों, वास्तव में कोई भी ग्रह पीछे या उल्टे नहीं जाते हैं। उस ग्रह की गति के कारण ये आभास होता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है और इसी आभास को ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। यानी कि कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब वह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट भी आ जाता है और पृथ्वी की गति से थोड़ा कम गति पाता है, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है। क्योंकि वक्री ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है और कोई भी ग्रह पृथ्वी के निकट रहेगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ेगा। पृथ्वी पर प्रभाव अधिक होने के कारण उस ग्रह को वक्री ग्रह कहते हैं और इसीलिए वक्री ग्रह बलवान भी होता है। और गुरुदेव, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके सातवें भाव में विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी है और आपके पांचवें भाव के स्वामी है जो कि आपके सातवें भाव में विराजमान है। देखिए, गुरुदेव दूसरे भाव के स्वामी है जो कि आपके सातवें भाव में विराजमान है तो आपकी स्पाउस धन संग्रह करने वाली रहेगी। और यहाँ पे देखिए, जब गुरुदेव वक्री हो रहे तो यहाँ पे आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग करने का प्रयास करेंगे ना तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पांचवें भाव के भी स्वामी है गुरुदेव, तो पांचवा भाव होता है आपके संतति प्रेम पढ़ाई साधना का होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक तो केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण कर रहे हैं गुरुदेव और आपके पांचवें भाव के भी स्वामी हैं गुरुदेव जो कि सातवें भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग प्रेम विवाह करने का प्रयास कर रहे हैं और अपना बात बढ़ाना चाह रहे हैं, 1 मई 2024 से जैसा कि मैंने आपको बताया आपके लिए शुभ फल प्रदान करेंगे गुरुदेव। और गुरुदेव अभी वक्री भी हैं तो ये समय खासकर अगर आप बात कर रहे हैं ना 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक प्रेम विवाह से संबंधित, तो आपके लिए अच्छा समय है और आपका आपकी स्पाउस के प्रति अटैचमेंट भी बढ़ेगा। हालांकि देखिए, गुरुदेव आपके सातवें भाव में विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ पे मतभेद होने की संभावनाएं 1 मई 2024 से बन रही हैं और 14 मई 2025 तक बनेंगी। और अब गुरुदेव वक्री भी हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे, तो यहाँ पे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है। मतभेद होने से बचें, भागीदार से मतभेद होने से बचें, क्योंकि यहाँ पे देखिए सातवां भाव भागीदार का भी होता है तो भागीदार से भी मतभेद होने की संभावनाएं बन रही है। और गुरुदेव की पांचवी दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में और 11वां भाव होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त पहचान के लोग, कम्युनिकेशन बड़े भाई बहन का होता है, तो बड़े भाई बहन दोस्त पहचान के लोग से संबंध में मजबूती आएगा, इनकम आपका निश्चित तौर पर बढ़ेगा। वैसे भी देखिए, जब वृश्चिक लग्न वाले हैं, गुरु की सातवीं दृष्टि 11वें भाव में पड़ने लगी 1 मई 2024 है, तो 1 मई 2024 से उनके इनकम में बढ़ोतरी के योग गुरुदेव बना रहे हैं और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपका इनकम तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन से आपको लाभ कराएंगे, पहचान के लोगों से आपको लाभ कराएंगे। और गुरुदेव की सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। देखिए, लग्न पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, आप में एक तो आलस्य आया होगा 17 जनवरी 2023 से, पर यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि आपके गुरुदेव की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, सोच समझ करके आपको निर्णय लेने में आपको गुरुदेव मदद करेंगे। और गुरुदेव की नौवीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में और तीसरा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली का प्रवास का होता है। डेली का प्रवास आपका कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ होगा 1 मई 2024 से। और यहाँ पे देखिए, जब गुरुदेव वक्री होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपका डेली का प्रवास कुछ बढ़ेगा, छोटे भाई बहन के साथ भी आपके संबंध में मजबूती लाएंगे गुरुदेव,
पड़ोसी के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीने में, तो 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीने में ये टेम्पररी फेज रहेगा। किसी भी किस्म के विवाद से बचें, अपने छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे विवाद से बचें। हालांकि देखिए आपके लग्न के स्वामी है मंगल और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपका एक तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, दूसरी तरफ मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और शनिदेव आपके चौथे भाव में विराजमान है जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी है और चौथे भाव के भी स्वामी है। और शनिदेव आपके चौथे भाव में 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे शनिदेव जो आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। 26 जून से लेकर के 15 नवंबर तक जब शनिदेव वक्री होंगे, तो यहाँ पे घर वाहन माता का सुख तो आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, माता से आपको हिम्मत मिलेगी। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके छठवें भाव में, और छठवां भाव होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। हालांकि देखिए जो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है ना, यहाँ पे शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को तो निश्चित तौर पर शनिदेव कंट्रोल करेंगे, यानी कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को कंट्रोल कर रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे आपके मामा मौसी के साथ मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, तो मनमुटाव से बचें। और शनिदेव की सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव में। देखिए दशम भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए 17 जनवरी 2023 से ना शनिदेव की सातवीं दृष्टि पड़ने लगी आपके दशवें भाव में, और दशवें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही थी 30 अप्रैल 2024 तक। तो यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके साथ तो भी संबंध में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था, पर आपका रिश्ता चल रहा था, आपका संबंध ठीक ठाक रह रहा था। पर जब शनिदेव वक्री हुए, तो यहाँ पे मनमुटाव होगा, मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो बॉस और पिता से किसी भी किस्म का मनमुटाव से बचे। आपके काम में उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहा होगा, और खासकर देखिए यहाँ पे 29 जून से आपके काम में ज्यादा आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा होगा। पर यहाँ पे देखिए काम में आपका थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेगा, पर आपको इनकम निश्चित तौर पर होगा। और शनिदेव की दसवीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे, और लग्न पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और शनिदेव जैसा कि मैंने आपको बताया वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे, तो आप में थोड़ा आलस्य बढ़ेगा, थोड़ा स्लो करते हैं शनिदेव, कोई भी चीज का डिसीजन लेने में आप थोड़ा देरी करेंगे। पर गुरुदेव की दृष्टि भी 1 मई 2024 से पड़ने लगी, तो आप डिसीजन सोच समझ के लेंगे। वेट पे आपके ध्यान देना है, यहाँ पे आपका वेट बढ़ सकता है, तो वेट पे आप नियंत्रण रखें और वेट का आप ध्यान दें, और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे अगर आप करेंगे तो वेट कंट्रोल में रहेगा। और मंगल जो आपके विराजमान हो रहे हैं, मंगल आपके आठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं, लग्न के स्वामी है मंगल जो कि आपके आठवें भाव में 26 अगस्त से पूरे सितंबर में विराजमान हो रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए लग्न के स्वामी आपके आठवें भाव में 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में विराजमान होंगे, तो आपके ससुराल के प्रति आपका फोकस बढ़ेगा, और आपके ससुराल वालों को लेकर के आप चिंतन भी करेंगे। ऑकल्ट साइंस को लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए मंगल द्वारा जैसा कि मैंने आपको बताया विपरीत राज्यों का भी निर्माण हो रहा है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। हालांकि आपके मामा मौसी की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है, पर अगर आप कोई छोटी मोटी बीमारी से परेशान है, तो यहाँ पे उसके लिए भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, यानी कि बीमारी का भी कोई ना कोई इलाज के लिए आपको रास्ता मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में। जैसा कि मैंने आपको बताया 11वां भाव जो होता है आपका आई, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है, तो 11वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो इनकम के लिए एग्रेसिव नहीं होना है, खासकर 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में थोड़ा एग्रेसिवनेस इनकम को लेकर के आएगा, तो इनकम को लेकर के एग्रेसिव ना हो, सोच समझ करके बोले। और जो लोग व्यापार करते हैं वो पैसे को लेकर के एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि उनका पैसा अगर थोड़ा बहुत अटकेगा ना, तो स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिवनेस आएगा, तो कोशिश कीजिए कि एग्रेसिव ना हो। पैसा क्योंकि अटकेगा तो थोड़ा सा पेशेंस लूज कर सकते हैं। देखिए बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पैसा अटकेगा ही, तो थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वक्री भी आपके गुरुदेव हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक, निश्चित तौर पर आपको पैसा दिलाएंगे। और मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में, दूसरा भाव होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है, तो 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीने में कटुवाणी बोलने से आपको बचना है। परिवार के सदस्य आपके थोड़े स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं, किसी भी किस्म का विवाद से बचें। और मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में, तीसरा भाव होता है जैसा कि मैंने आपको बताया स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है, तो तीसरे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो पराक्रम आपका निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर बढ़ेगा। देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना, जो गुरुदेव आपके वक्री हो रहे हैं ना आपके सातवें भाव में, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके दूसरे भाव के स्वामी भी है गुरुदेव जैसा कि मैंने बताया, और आपके पांचवें भाव के भी स्वामी है गुरुदेव जो कि आपके सातवें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो
कोई भी सेविंग्स करना है तो स्पाउस द्वारा आप सेविंग कीजिए, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और प्रेम विवाह के लिए भी यहाँ पे शुभ योग बना रहे हैं। और यहाँ पे प्रेम विवाह का भी आप बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर यहाँ पे देखिए ये जो प्रेम विवाह का जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके लग्न पत्रिका में भी प्रेम विवाह के योग होंगे तो ये पीरियड आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हो तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।